सो हेलो दोस्तों, हम लोग फिर आ गए हैं नया रेस्क्यू लेके। ये हम लोग का चैनल में एक रेस्क्यू होगा आज। तो ये एक घर से कॉल आया था, ये अशोकगढ़ आश्रम का साइड में है। पहले भी हम लोग का वीडियो के अंदर देखे होंगे, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इन्हीं का घर से, घर का सामने से दो सांप हम लोग एक ही गड्ढे से निकल के लेके गए थे। तो आज फिर एक सांप इनका घर का एकदम आंगन में मिला है। तो हम लोग को कॉल किया, हम लोग फिर आ गए इसको लेने के लिए, इसको रेस्क्यू करने के लिए। तो दोस्तों एकदम दिख रहा है, ये गड्ढे में घुस रहा है क्या? तो दोस्तों बहुत बड़ा एक सांप हम लोग को मिला है, बहुत बड़ा दोस्तों, देख सकते हैं। हम बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो भागने का कोशिश कर रहा था, और नीचे में एक गड्ढा है, अलग बना नीचे में गड्ढा, इसलिए गड्ढा में ना घुस जाए। इसलिए हम लोग बहुत ही शांत से, हम लोग बहुत ही स्लोली, इधर से दिखाई नहीं दे रहा, टीना का उस पार चला गया है। एक काम कर सकते हैं, हम पूछ पकड़ लेते हैं, तुम उस साइड में चले जाओ। तो दोस्तों ये जो सांप है इसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेड स्नेक, और ये बहुत ही बड़ा है, शायद 7 फुट से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन लगभग 7 फुट हो जाएगा दोस्तों। इतना बड़ा सांप है, लेकिन ये सांप में जहर नहीं होता है दोस्तों, आपको देख के डरने का उतना जरूरत है नहीं। ये जो सांप है ये ज़्यादातर चूहा को अपना शिकार बनाता है। ये जो सांप है इसमें जहर नहीं होता है दोस्तों, लेकिन इतना बड़ा होता है कि आदमी देख के बहुत डर जाता है। तो दोस्तों पहले बार हम पकड़े हैं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है कि एक टीना का उस पार चला गया, हमको यहाँ से पकड़ना पड़ा। हम ज़्यादातर सांप पकड़ते नहीं है, ओनू भी पकड़ता है। तो दोस्तों हम पकड़ के रखे हैं, हमको बहुत ही डर लग रहा है, इसमें जहर नहीं होता है, फिर भी हम नहीं पकड़ते, देख सकते हैं आप। एदिके चोले इधर आ सकता है, इसलिए देखिए दोस्तों हम बात करने का मूड में है नहीं अभी, आप लोग से वीडियो के देख ले रही है। बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं, बहुत मोटा, बहुत बड़ा है। दोर्चिस ने की, अरे पूरा घूम रहा है, मेरा हाथ को पकड़ लिया है जोर से। दोर्चिस धोले बोलिस छाड़े देबो, छाड़े दिलाम। दोस्तों बहुत बड़ा है, हम उस पार है टीना का, बहुत ही बड़ा है दोस्तों, 7 से 7 भी ज्यादा लंबा होगा, 7 फीट से भी ज्यादा। दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा सांप पकड़ा है आज। दोस्तों ज़्यादातर इस टाइम पे सांप जो है अपना गड्ढे से निकलेगा,
गड्ढे से निकलने के बाद ये लोग खाना ढूंढेगा। तो इस टाइम पे इतना सांप कैसे नजर आ रहा है अनुप, थोड़ा बताइए। खूब दूर आए गए। इसका लंबाई कितना होगा? 7 फीट हो जाएगा। काम रहे ना। तो दोस्तों ठंड के मौसम में ये ज़्यादातर सांप अपना गड्ढे में रहता है, खाना वाना खा के अंदर से नहीं निकलता है। और अभी थोड़ा गर्मी आ रहा है इसलिए गड्ढे से सांप निकल रहा है अपना खाना ढूंढने के लिए। ज़्यादातर घर के अंदर ही आता है क्योंकि चूहा घर में ही रहता है और चूहा खाने के लिए ज़्यादातर चला आता है। ये किसी का क्षति करने के लिए या फिर हानि पहुँचाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि ये आता है ज़्यादातर अपना आधार को मतलब अपना खाना को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों ज़्यादातर सतर्क रहिएगा इस टाइम पर, क्योंकि ये जहरीला नहीं है लेकिन जहरीला सांप आ सकता है। क्योंकि हम लोग का वीडियो के अंदर बहुत सारा चैनल के अंदर बहुत सारा वीडियो है ऐसा है कि आप लोग देख चुके कि बहुत जहरीला जहरीला सांप हम लोग रेस्क्यू करके लेके आए घर के अंदर से, घर में से। तो दोस्तों हम लोग का रेस्क्यू कम्प्लीट है। अभी हम लोग इसको बैग में डालें, देखिए कि बैग में डालते आसानी से जाता है या मशक्क़त करना पड़ता है। हेलो एकदम आश्रम बाड़ी देखा बात জঙ্গল এটা পানি নিয়ে জায়গা আসেন তো কমে খোলা জায়গা আছে পুকুর আছে একটা কমসে কম 30-40টা এগুলো সব করা হয় পুকুরে থাকে এটা ইঁদুর খায় ব্যাংক খায় আর ক্ষতি তো করে না তো প্ল্যান বি লাগাইয়ে ঠান্ডা করে যাবে। আরেকটা ব্যাগ লাগবে দোস্ত, দেখ সকতে ব্যাগ মে ডাল দিয়ে।